Hi students, okay, so let us now study codominance over here. तो हमने अभी इससे पहले देखा मेंडल ने जो डिस्कस किया था वो डोमिनेंस था, लॉ ऑफ डोमिनेंस. उसके बाद हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और अब हम देखेंगे कोडोमिनेंस. ठीक है, तो को का मतलब होता है साथ में या टुगेदर, राइट. तो कोडोमिनेंस का मतलब बोथ आर गेटिंग डोमिनेंट, राइट. अच्छा, बोथ डोमिनेंट कैसे होंगे, दोनों में से एक ही तो डोमिनेंट हो पाएगा, तो इसलिए हम इसको मिसनोमर भी बोल सकते हैं इस टर्म को, क्योंकि डोमिनेंट तो एक ही होगा. तो यहाँ पे बोथ विल बी डोमिनेंट का मतलब ये है कि बोथ विल एक्सप्रेस देमसेल्फ, यानी दोनों एक साथ आपको नज़र आएंगे, दोनों फिनोटाइप में आपको एक साथ दिखेंगे. जैसे यहाँ रेड और वाइट अगर आपको एक साथ मिक्स हो जा रहा था, लेकिन अगर मान लीजिए रेड और वाइट ये दोनों अलग अलग पैचेस में दिखने लगे आपको, फॉर एग्जांपल एक मतलब कि जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, उसमें फॉर एग्जांपल जैसे हम अज्यूम करते हैं कि कुछ लीव्स रेड हैं और कुछ लीव्स वाइट हैं, ठीक है. तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि लीव्स जो हैं पिंक हो जाएंगी, लेकिन कोडोमिनेंस में क्या होगा कि उस प्लांट में रेड लीव्स भी होंगी और वाइट लीव्स भी होंगी, एक साथ ही दोनों उस प्लांट में प्रेजेंट होंगी, राइट. तो ये हो गया कोडोमिनेंस. अच्छा, ये अभी और थोड़ा सा और हम अभी क्लियर होगा. तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो कोडोमिनेंस के लिए है हमारे सिलेबस में वो है ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप. तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप बहुत तरह के होते हैं. एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं. ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, ग्रुप ए बी सी, राइट, नहीं सी नहीं होता है, ए बी और क्या होता है ओ. तो ये चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं. इसमें पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, ए प्लस ए पॉजिटिव है नेगेटिव, बी पॉजिटिव है नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव है बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, ठीक. तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं. ओके, तो ये ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है, हम ऑलरेडी क्लास पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो ब्लड है उसमें बहुत सारे फॉर्म्ड फैक्टर्स होते हैं. फॉर्म्ड फैक्टर्स में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं. तो कौन कौन से सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs, ये सारे बहुत सारे तरह के, WBCs में इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, राइट, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो जो RBC होता है रेड ब्लड सेल यानी एरिथ्रोसाइट्स, उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर की तरफ एक ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन पे. बिकॉज ऑफ दैट ओलिगोसैकेराइड द नेचर ऑफ द RBC डिफर्स फ्रॉम वन अनदर, यानी कुछ RBCs इम्यून सिस्टम से हमारे दूसरी तरह से रिएक्ट करेंगी और कुछ अलग तरह से रिएक्ट करेंगी, दूसरी तरह से रिएक्ट करेंगी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ दिस ओलिगोसैकेराइड. तो वो इम्यून रिएक्शन से जिस तरह से रिएक्ट करती हैं उसकी बेसिस पे हमने इसको ब्लड ग्रुप में हम बांटते हैं, ठीक है. क्योंकि इम्यून ग्रुप सिस्टम से रिएक्ट कर जाती हैं, इसीलिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको हम बी ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं करा सकते हैं, राइट, क्योंकि वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिएक्ट कर जाएगा और उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, द पर्सन कैन लीड टू डेथ. ओके, तो ये ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, आप ऑलरेडी बायो मॉलिक्यूल में पढ़ चुके हैं. ओलिगो मीन्स स्मॉल, राइट, सैकेराइड मीन्स मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, याद आया. तो मोनोसैकेराइड होता है पहले, फिर ओलिगोसैकेराइड होते हैं और फिर पॉलीसैकेराइड, राइट. तो दीज आर नथिंग बट स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स. स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो RBC का मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाईलेयर मेम्ब्रेन. तो इसके ऊपर एक बड़ी सी प्रोटीन ऐसे प्रेजेंट होती है और इस प्रोटीन के ऊपर छोटा सा ये मान लीजिए आप कि ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट है, ठीक. तो ओलिगोसैकेराइड इज प्रेजेंट ऑन द प्रोटीन, सो इट इज़ ए, दिस इज अ फुल कंप्लीट मॉलिक्यूल. ओलिगोसैकेराइड इज नॉट एन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, इट इज कोवलेंटली लिंक्ड टू दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन. ओके, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सो कार्बोहाइड्रेट इज अटैच टू दिस प्रोटीन, सो इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन. सो द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द RBC मेम्ब्रेन वी गेट द ब्लड ग्रुप. ओके, सो
व्हाट इज द जेनेटिक बेसिस फॉर द ब्लड ग्रुप। हमारे बॉडी में हमारे पास जो ब्लड ग्रुप के लिए एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है उसको हम बोलते हैं आई जीन, ठीक है, आई जीन। तो आई जीन के पास जो अलील्स हैं वो होते हैं, तीन तरह के अलील्स होते हैं, थ्री अलील्स। अब आप यहाँ सरप्राइज हो जाएंगे कि हम थ्री अलील्स क्यों बोल रहे हैं। अभी तक हमने मेंडल के लॉज पढ़े, उसमें हमने बोला कि दो ही अलील होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, राइट। लेकिन यहाँ थ्री कैसे हो गए, राइट, ठीक है। तो थ्री ऐसे होते हैं कि इन ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक किसी पर्सन में या एक किसी प्लांट में, चूँकि हम डाइप्लॉयड हैं इसलिए हमारे पास दो अलील होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर जीन के लिए, राइट। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन की बात करें, यानी अगर आप कई लोगों को उठा लें, तो किसी के अंदर कोई अलील है, किसी के अंदर, तो यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं, चलिए दो अलील है, एक अलील है आई ए, दूसरा है आई बी, और तीसरा को बोलते हैं स्मॉल आई या आई ज़ीरो भी इसको बोलते हैं, राइट। तो मान लीजिए एक कोई पर्सन है, तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में इन तीन में से सिर्फ दो ही प्रेजेंट होंगे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तीनों नहीं प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर आप एंटायर पॉपुलेशन को ले लेंगे तो उसमें ये तीनों आपको मिलेंगे। तो ये दिस इज़ ए नाइस एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म आल्सो, ठीक है, मल्टीपल अलीलिज्म। मल्टीपल अलीलिज्म मीन्स मोर देन टू अलील्स आर प्रेजेंट। सो अगर आप मल्टीपल अलीलिज्म को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको वन इंडिविजुअल काफ़ी नहीं होगा, यू हैव टू स्टडी अ पॉपुलेशन, बिकॉज इन ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओनली टू अलील्स विल बी प्रेजेंट, राइट। सो यू नीड एटलीस्ट टू इंडिविजुअल्स, बट हो सकता है दो इंडिविजुअल्स आप जो ले रहे हैं उसमें वो दोनों अलील सेम हो, इसलिए आपको एक पॉपुलेशन लेना पड़ेगा, एटलीस्ट मोर देन वन, मोर देन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स यू नीड टू स्टडी दी मल्टीपल अलीलिज्म, ओके। तो अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं आई ए क्या है। तो ये जो ओलाइगोसेक्राइड, हमने देखा कि ओलाइगोसेक्राइड यहाँ जो प्रेजेंट है, ओलाइगोसेक्राइड कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाई फ्यू यूनिट्स ऑफ द मोनोसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड, दो मोनोसेक्राइड मिल गए तो डाइसेक्राइड, तीन मिल गए तो ट्राइसेक्राइड, राइट। तो ओलाइगोसेक्राइड क्या होता है, दो से नौ, टू टू नाइन यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड विल मेक ओलाइगोसेक्राइड। तो आई ए के केस में यू विल हैव सम मोनोसेक्राइड, सॉरी सम ओलाइगोसेक्राइड। आई बी के केस में यू विल हैव सम अदर ओलाइगोसेक्राइड अटैच टू दिस ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। एंड सो यू मे हैव इधर आई ए ग्लाइकोप्रोटीन, और यू मे हैव आई बी ग्लाइकोप्रोटीन, और दिस ग्लाइकोप्रोटीन मे बी एबसेंट ऑलटूगेदर। जो आर बी सी पे ये या तो ए टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, या बी टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, या ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए आई ज़ीरो हम या आई ओ बोलते हैं, या इसको स्मॉल आई बोल दिया, राइट। तो इस तरह से ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, इधर इट इज़ प्रेजेंट, सो इधर वन फॉर्म इज़ प्रेजेंट और अदर फॉर्म इज़ प्रेजेंट और बोथ आर एब्सेंट। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन हैव सेवरल कॉम्बिनेशंस। सो हाउ वी विल गेट द कॉम्बिनेशंस, इफ़ यू टेक दिस अलील्स, सो इन ए पॉपुलेशन टोटल हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस विल बी प्रेजेंट। दिस आई ए कैन बी प्रेजेंट विद आई ए, इट कैन बी प्रेजेंट विद आई बी, इट कैन बी प्रेजेंट विद स्मॉल आई, सिमिलरली। तो ये हम इसलिए बोल रहे हैं कैन बी प्रेजेंट विद, क्योंकि आपको फैक्टर बनाना है ना, पेयर बनाना है, तो एक अगर आई ए है तो दूसरा, ये तीनों पॉसिबिलिटी, तो तीन ये हो गया। इसी तरह से अगर दूसरा आई बी है तो तीसरा, तो इसमें फिर क्या होगा, मतलब फिर से अगर एक फर्स्ट अलील आई बी है तो सेकेंड अलील क्या हो सकता है, आई ए हो सकता है, राइट। आई ए और आई बी हो सकता है और आई हो सकता है। तो इससे आपको जो मिला, तो ये देखिए ये ए बी हो जाएगा, आई ए आई बी, आई ए आई बी और आई बी आई ए, तो यानी ये और ये दोनों ब्लड ग्रुप सेम हैं, राइट। इसी तरह से जब आपका स्मॉल आई है वो स्मॉल आई के साथ प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरह से आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 सेवन कॉम्बिनेशंस में से ये रिपीट हो रहा है, आई ए आई बी वाला, राइट। तो आपको टोटल 6 कॉम्बिनेशंस मिले। आप यहाँ पर टेबल देखिए, आपके बुक में जो दिया हुआ है, टेबल शोविंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ
ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. अलील फ्रॉम पेरेंट वन, अलील फ्रॉम पेरेंट टू, देन जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग, और इसकी बेसिस पे ब्लड ग्रुप आप देखिए. तो जब आई ए है उसके साथ तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ दी हुई हैं, फिर यहाँ आई बी है उसके साथ तीनों पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं, फिर आई ए, तो उससे जीनोटाइप क्या मिलेगा, आई ए आई ए आई ए आई बी आई ए आई, ठीक है ये आपको. तो ये देखिए आई ए आई बी और आई ए आई बी, ये दोनों सेम कॉम्बिनेशन ऑफ द जीनोटाइप्स हैं, ठीक है. अच्छा, इसमें वो सीक्वेंस ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता कि आई ए पहले है कि आई बी पहले है. आई ए आई बी भी लिख सकते हो आप, आई बी आई ए भी लिख सकते हो, उसके सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं, ठीक है, वरना वो परम्यूटेशन हो जाएगा. तो इस तरह से आपको सिक्स कॉम्बिनेशंस मिल गए. तो उसकी बेसिस पे फिर आप ब्लड ग्रुप बोलोगे कि अगर आई ए आई ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, यानी सिर्फ एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है इस आर बी सी पे, तो ब्लड ग्रुप ए हो गया. इसी तरह से अगर आई ए आई आई ए आई बी यानी कि दोनों प्रेजेंट है ओलाइगोसेक्राइड, तो ब्लड ग्रुप ए भी हो गया. अगर आई ए और स्मॉल आई है यानी कि इस पर्टिकुलर अलील से, इस पर्टिकुलर जो फैक्टर है, ये पर्टिकुलर जो वेरिएशन है जीन का, ये तो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा ग्लाइकोसेक्राइड या ग्लाइकोप्रोटीन, तो सिर्फ जो आई ए है वही प्रोड्यूस करेगा, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. इसी तरह से इसका ए बी हो जाएगा, और ये सिर्फ बी प्रोड्यूस करेगा तो इसका बी हो जाएगा, ये भी सिर्फ बी प्रोड्यूस करेगा तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और दिस विल नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन ऑन दिस फॉर दिस पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन. तो इस केस में क्या होगा, नल हो जाएगा, यानी देर इज नो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट, सो ये ब्लड ग्रुप हो गया ओ ब्लड ग्रुप. तो ये होता है ब्लड ग्रुप का मतलब, आपको समझ आया, ठीक है. तो इसमें जो है क्या होगा, जब आप क्रॉस कराओगे इस कोडोमिनेंस के केस में, फॉर एग्जांपल आपने आई ए और आई ए ले लिया, एक प्योर है प्योर ब्लड ग्रुप ए, राइट, देन आई बी आई बी प्योर ब्लड ग्रुप बी आपने ले लिया, बोथ द एलील्स आर ए ए, और उसको आपने क्रॉस कराया अगर, तो आपको जो मिलेगा वो हाइब्रिड मिलेगा आई ए आई बी, राइट. इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी हो गया, राइट, ये फिनोटाइप हो गया, ये जीनोटाइप हो गया. तो यहाँ पे जो ग्लाइकोप्रोटीन थी वो सिर्फ ए वाली ग्लाइकोप्रोटीन थी, यहाँ बी ग्लाइकोप्रोटीन थी, और यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन ए भी प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन बी भी प्रेजेंट है. सो बोथ द ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट, विच मीन्स बोथ आर एक्सप्रेसिंग और बोथ आर मैनिफेस्टिंग देमसेल्व्स, दैट मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ कोडोमिनेंस, बिकॉज बोथ द फैक्टर्स आर एक्सप्रेसिंग साइमल्टेनियसली, नोबडी इज डोमिनेटिंग ओवर द अदर, so that is why it is a phenomenon of codominance. so in the codominance f1, तो यहाँ पे क्या, ये जो है वो f1 हो गया, ये हो गया f0, right? तो here the f1 resembles both the parents, f1 has the phenotype of both the parents. dominance के केस में क्या होता है, f1 resembles either one of the parents, जब मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस जहाँ पे लगेगा, तो जहाँ पे कोडोमिनेंस होगा वहाँ इट विल रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, इट विल नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट्स, रादर दिस फीनोटाइप ऑफ एफ1 विल बी एन इंटरमीडिएट ऑफ बोथ द पेरेंट्स. तो ये इसमें डिफरेंस है. तो कोडोमिनेंस और मल्ट का बेस्ट एग्जांपल है मल्टीपल अलीलिज्म वाला जो एग्जांपल है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप का. इसमें थ्री डिफरेंट अलील्स होते हैं और सिक्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप्स होते हैं और फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो ये एग्जांपल हो गया आपका कोडोमिनेंस का. उसके बाद आपके सिलेबस में है स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस का जो जीन है वो. तो स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस के लिए एक्चुअली देयर आर मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व, बट द मेजर जीन जो है उसको बी जीन बोलते हैं. उसका टू अलील्स है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, और उसकी बेसिस पे जो सीड का साइज है, बिकॉज स्टार्च सिंथेसिस का जो जीन है वो क्या करेगा, स्टार्च सिंथेसाइज करवाएगा. तो स्टार्च जो होता है ग्रेन के अंदर या सीरियल्स के अंदर,
तो उसी के बेसिस पे जितना ज़्यादा स्टार्च बनेगा उतना बड़ा ग्रेन का साइज़ होगा, राइट। तो अगर मान लीजिए ये जीन डिफेक्टिव है, यानी रिसेसिव जीन आ गया, स्मॉल भी आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो एबनॉर्मल है, जैसा हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो उससे क्या होगा, उसका साइज़ जो है ग्रेन का वो छोटा हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा। लेकिन अगर उसका डिफेक्टिव नहीं है, नॉर्मल अलील है, यानी कैपिटल बी अलील है, तो उसमें प्रॉपर साइज बनेगा ग्रेन का, ठीक है। तो मैच्योरेशन ऑफ सीड जो है दैट विल बी कंप्लीटेड, दैट विल बी वेरी नाइसली डन इन द केस ऑफ कैपिटल बी, बट इन द केस ऑफ स्मॉल बी इट विल नॉट बी प्रॉपरली डन। सो दैट्स व्हाई बी बी सीड्स विल बी स्मॉल बी सीड्स विल बी रिंकल्ड, राइट, बट कैपिटल बी सीड्स विल बी द गुड सीड्स, बट कैपिटल बी स्मॉल बी सीड्स विल बी इंटरमीडिएट साइज, ओके। तो ये भी एग्जांपल हो गया किस चीज़ का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, क्योंकि इंटरमीडिएट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मल्टीपल एलीलिज्म, इसी तरह से एक मल्टीपल जीन्स अगर इन्वॉल्व हों किसी ट्रेट में, उसको पॉलीजेनिक ट्रेट बोलते हैं, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मेंडल के जो टू बेसिक लॉज हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, वो डिस्कस किया है, ठीक है। और हमें ये पता चला कि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है दैट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, ओके, इट इज़ वायलेटेड एंड देर आर सेवरल अल्टरनेटिव लॉज टू इट, फॉर एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम, टुमारो वी विल स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क एंड यू कीप मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पनिट स्क्वायर वगैरह है जो आप अच्छे से बना करके एक बार देख लो, ठीक है। और कहीं कोई डाउट है अगर तो वो भी नोटबुक में आप लिख लो, बाद में भी हम डिस्कस कर सकते हैं और अभी भी हम डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के चैट पे। थैंक यू।